हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज देखो, हमने नया चैप्टर शुरू करना है बच्चे। मैं ये मानता हूँ कि आपने इशू ऑफ शेयर्स इसके पहले मुझसे पढ़ लिया है और आप उसको पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, ये आपका एडवाइस है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं आज शुरू करता हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स। लिखिए मेरे साथ, इशू ऑफ डिवेंचर्स। सर, डिवेंचर्स क्या होते हैं? देखो, डिवेंचर्स होते क्या हैं ये तो कहानी पूरे चैप्टर में चलेगी। पूरे चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा डिवेंचर क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा अभी समझ लो डिवेंचर का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा समझ लो, ये देखो आप, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी को पैसे चाहिए लोन के रूप में। पैसे चाहिए मेरे बच्चे लोन के रूप में। एक तरीका है कि जो पब्लिक है, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग, ये कंपनी पब्लिक यानी कि लोगों से पैसा ले कर्ज के रूप में। मेरे बच्चे, जब पब्लिक ने, कई लोगों ने क्या किया, ए बी सी डी ई, कई लोगों ने क्या किया, इस कंपनी को मान लो 20 लाख का टोटल लोन दिया, आपका टोटल कर्ज दिया। तो जब कंपनी के पास पब्लिक से पैसा आएगा लोन के रूप में, तो कंपनी को इनको एक प्रूफ देना पड़ेगा, एक कागज, जिस कागज पे ये लिखकर बोलेंगे कि हाँ जी, हमने आपसे इतना कर्ज लिया है और इतने समय के बाद वो पैसा वापस कर देंगे। मतलब बच्चे, ये जो कागज होता है ना, ये कागज जिस पे कंपनी ने लिखा है कि आपने मुझे इतना कर्ज दिया है, मान लो 20 लाख, जो भी अमाउंट होगा आपका 20 लाख, और कंपनी कहती है कि इस 20 लाख पे हर एक साल मान लो हम आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मेरे बच्चे, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये जो कागज है जो कंपनी पैसे के बदले में पब्लिक को देती है, इसी को हम कहते हैं आपका डिवेंचर्स। मतलब आप समझ गए होंगे, ये एक कागज है और कुछ भी नहीं, जिसपे एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्रूफ दिया गया है पब्लिक को कि हमने आपसे पैसा लिया है। और हाँ, क्योंकि ये कर्ज है मेरे बच्चे, ये एक लोन है, तो इस लोन पे यहाँ पे आपका लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12%, जो भी। इसका मतलब कि इस कर्ज पे हम आपको, यानी कि कंपनी आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। जब हमने बात शेयर्स की थी, तो शेयर्स में मेरे बच्चे, वहाँ पे कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया तो था, लेकिन वहाँ पब्लिक से पैसा एज ओनर कंट्रीब्यूशन लिया था, मालिक के रूप में। यानी कि जिन पब्लिक ने कंपनी में पैसा लगाया था, वो कंपनी के मालिक बोले गए थे, हमने उनको शेयर कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया था। लेकिन यहाँ पे जब पब्लिक से पैसा हम लेते हैं एज लोन के रूप में, तो लोन से जब पैसा लेंगे और फिर जो उनको कागज हम देंगे, एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका डिवेंचर्स। और डिवेंचर के साथ जो आपका रेट लिखा रहेगा, वो आपका मतलब वो जैसे कहता है 10% डिवेंचर, यानी कि इस पर हर एक साल 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। शेयर्स पे हम डिविडेंड पे करते हैं, मालिक को हम डिविडेंड पे करते हैं, लेकिन डिवेंचर्स मेरे बच्चे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। शेयर्स जो होल्ड करते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, लेकिन डिवेंचर्स जो होल्ड करते हैं वो कंपनी के लायबिलिटी होते हैं। शेयर्स पे डिविडेंड तब पे किया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेकिन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, क्योंकि ये कर्ज है, ये कोई ओनर नहीं है, इनको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। और भी बहुत सारी बातें होने वाली है, मैं इस चैप्टर का इन डेप्थ थ्योरी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक थ्योरी, एक एक न्यूमेरिकल, सारी बातें हमारी डिस्कशन होगी मेरे बच्चे। अभी तो बस इतना समझना, जब बात डिवेंचर्स की उठेंगी, यानी कि हमने पब्लिक से कर्ज लिया है, बस इतनी सी बातें। और लिखो ना, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, यानी कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं आपको वो बताऊं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखेंगे। पहला आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। अगर हमने पब्लिक को डिवेंचर्स इशू किया कैश के लिए, तो क्या करेंगे? यहां पे मेरे बच्चे दो बातें निकल के आएंगी। नंबर ए, इन लमसम आपने पैसा ले लिया, या फिर आपने लिया है इन इंस्टॉलमेंट, आपने पेमेंट जो लिया है वो इंस्टॉलमेंट्स में आपने कलेक्ट किया है, पहला आपका। सेकेंड टॉपिक लिखेंगे आप यहाँ पे, इश्यू
ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश मतलब कैश के सिवाय किसी और पर्पस के लिए, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया, कोई मशीन परचेज किया, या किसी के बिजनेस को ही परचेज कर लिया और जो पेमेंट करना हुआ वो आपने डिवेंचर्स के थ्रू किया। मेरे बच्चे थर्ड टॉपिक आपका है यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। सर ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता नहीं करो। फोर्थ लिखेंगे आप यहाँ पे आपका, फोर्थ लिखेंगे अकाउंटिंग फॉर या अकाउंटिंग ऑफ, अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की जो अकाउंटिंग होगी वो कैसे होगी हम वो यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, पांचवा पॉइंट आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, कहता है फिफ्थ में आपका राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये पांच टॉपिक में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा, लिख लीजिए आप, देर आर फाइव टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आपका जो हमें स्टडी करना है। मैं आपको बता दूं पहले थोड़ी खुशी की बात, ये टॉपिक मेरे बच्चे ऊपर का जो दो है वो बिना पढ़े हुए ही ख़त्म हो गया। इस दो टॉपिक को हमने बिना पढ़े हुए ख़त्म कर लिया, क्योंकि ये दो टॉपिक का जो डिस्कशन है हमने बहुत अच्छी तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स में किया है। यहाँ पे भी जो एंट्री होगा बिल्कुल वैसी ही होना है, बिल्कुल सेम एंट्री मेरे बच्चे, जहाँ पे हम आपका शेयर कैपिटल लिखा करते थे वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा डिवेंचर्स अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि पैसा शेयर कैपिटल में ना होकर डिवेंचर्स अकाउंट में जाएगा, कैसे मैं भी दिखाऊंगा। बाकी एक एक बात बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे, वही ओवर सब्सक्रिप्शन, वही अंडर सब्सक्रिप्शन, वही नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, वही प्रोराटा, मतलब एक एक बात जो हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान रखूंगा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाया है। तो मैं वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा अब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था उनको मैं क्या करूँगा यहाँ पे फटाफट भगाऊँगा, और जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा नया नया है उसके बारे में हम यहाँ सीखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा आ जाओ पहले समझते हैं कि अगर डिवेंचर्स हमने इशू किया किसको इशू किया, पब्लिक को, एक तो लमसम में और एक इंस्टॉलमेंट में। लमसम का मतलब होता है कि पूरा पैसा एक बार ही मंगा लेना, हमने इंस्टॉलमेंट नहीं बनाना, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट को नहीं बनाना, जितना पैसा भी आपका है, जितना पैसा भी आपका है वो सारा का सारा पैसा एक बार ही मंगा लेना, उसको बोलते हैं आपका यहाँ पे लमसम में। और इंस्टॉलमेंट का मतलब वही बात है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, बहुत सारी बातें। टाइम बर्बाद करूँगा अगर मैं ज़्यादा आपसे डिस्कस करूँगा, आप जरा आ जाओ मेरी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन, आप क्वेश्चन नंबर वन चेक करेंगे मेरी बुकलेट का। मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चे, पहला टॉपिक आपका शुरू करते हैं, लिखो आप जरा हेडिंग, हेडिंग डालो, नया पेज लेना, इस पेज को छोड़ दो आप, इशू ऑफ डिवेंचर्स आप लिख रहे हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे फॉर कैश, अगर हमने डिवेंचर्स को कैश पे इशू किया है तो उसकी अकाउंटिंग में आपको समझा रहा हूँ। आओ ना जरा देखते हैं बुक का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, पढ़ो जरा क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर वन, पढ़ो जरा क्या बता रहा है मेरे बच्चे। कहता है कि वाई लिमिटेड, मिला आपको क्वेश्चन नंबर वन पढ़ रहे हैं आप, वाई लिमिटेड इशूड 20,009% डिवेंचर्स, मेरे बच्चे 9% डिवेंचर का मतलब हो गया डिवेंचर यानी कि जो कर्ज हमने पब्लिक से लिया उस पर 9% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सर इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा वो हम यहाँ सीखेंगे बच्चे, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, अभी तो नाम समझना कि नाम है। हाँ एक डिवेंचर कहता है कि 100 रुपये का है, और कहता है कि पेबल ऑन एप्लीकेशन बाई 1 अप्रैल, आपका कहता है कि 1 अप्रैल को ही ये सारा का सारा पैसा आपको पे करना, मतलब लमसम हो गया। एप्लीकेशन आपने 20,000 डिवेंचर्स का रिसीव किया है और डिवेंचर्स को आपने अलॉट कर दिया 5 अप्रैल को, बोलता है कि एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ कंपनी आपका। इट्स वेरी सिंपल नो डाउट, आप देखो जरा यहाँ पे एंट्री आप बड़े आराम समझ लेंगे, मुझे ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा मेरे बच्चे। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने जो डिवेंचर्स इशू किया है
वो 20,000 थे 100 रुपये वाले, और एप्लीकेशन आपका भाई 1 अप्रैल आ चुका है, 1 अप्रैल को एप्लीकेशन आ गया। तो पता है क्या करेंगे, एक तो बैंक अकाउंट डेबिटेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एप्लीकेशन आता है तो पैसा आता है, एंड टू आप यहाँ बोलेंगे मेरे बच्चे डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट, जब पैसा एक साथ ही हम मंगा लेंगे। हमने शेयर्स में भी ऐसा किया था, शेयर में भी जब पैसा एक ही बार आ जाएगा मेरे बच्चे, तो वही वहीं पे एप्लीकेशन हो रहा है, वहीं पे अलॉटमेंट हो रहा है। जरा बताओ कितने शेयर्स थे, कितने डिवेंचर्स थे आपके, 20,000 मेरे बच्चे, 20,000 पे जरा बताओ पर डिवेंचर कितना, 100, यानी कि 20 लाख का अमाउंट आपके बैंक में आया होगा। ये 20 लाख का अमाउंट आपके बैंक में आ गया, और अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, अगली एंट्री में कहता कि 5 अप्रैल को हम लोगों ने शेयर्स अलॉट कर दिया, यानी कि 5 अप्रैल को हम क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर, ये डिवेंचर जो आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, अगर ये इंस्टॉलमेंट में होता तो एप्लीकेशन की एंट्री अलग, अलॉटमेंट की अलग, लेकिन क्योंकि उसी दिन आपका जो पैसा एप्लीकेशन आया है हमने उसी पे शेयर्स अलॉट कर दिया, तो मेरे बच्चे एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। टू आप यहाँ बोलेंगे कितना परसेंट डिवेंचर था जी, 9% डिवेंचर अकाउंट, मतलब जो पहले इश्यू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल होता था उसके जगह पे अब डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। ये 20 लाख का जो अमाउंट आपका है इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड 20 लाख आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। लीजिए हमारा काम पूरा हो गया, पहले एंट्री में हमने पैसा रिसीव किया और दूसरी एंट्री में हमने डिवेंचर अलॉट कर दिया। पर बच्चे अगर मैं इसके अल्टीमेट इम्पैक्ट आपको दिखाऊं, अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली बैंक में पैसा कंपनी के पास आया और उतने का हमने लायबिलिटी दिखाया। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का पैसा एक टाइम पीरियड के लिए आता है मेरे बच्चे, कर्ज है ना, ये कर्ज हमेशा के लिए आप अपने पास नहीं रख सकते, तो एक टाइम पीरियड के लिए आता है, तो वो जितने टाइम पीरियड के आएगा वो आपकी लायबिलिटी शो किया जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में पैसा बढ़ गया और लायबिलिटी हम दिखाएंगे। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ। ये तो हुआ बच्चे आपका लमसम में पैसा आना, लमसम में हम जब पैसा आएगा उसी टाइम पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट करके कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर पैसा पार्ट पार्ट में आता है, तो क्या फर्क पड़ेगा, यही तो काम करेंगे। लेकिन जब पार्ट पार्ट में आएगा तो एप्लीकेशन की एंट्री अलग, अलॉटमेंट की अलग, फर्स्ट कॉल के अंदर, जैसे कि ज्यादा क्यों बोलूं मैं, जरा आप अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो ना क्या बता रहा है, पढ़ो ना। कंपनी ने इशू किया 4,010% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये 100 रुपये जो है ना, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू, जैसे शेयर में फेस वैल्यू होता था उसी तरीके से डिवेंचर का फेस वैल्यू है। कहता कि 20 ऑन एप्लीकेशन है और बैलेंस कहता है कि अलॉटमेंट पे, मतलब 100 में 20 का पैसा अमाउंट एप्लीकेशन पे आएगा और बाकी 80 अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा। डिवेंचर्स कहता है कि रिडीमेबल, रिडीम यानी कि इनका जो रीपेमेंट होगा वो 5 ईयर्स के बाद, अभी कोई मतलब नहीं बनता, वो 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा या 10 साल के बाद। हम तो रिडम्पशन चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे, हम तो इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, सिर्फ इशू की एंट्री और इशू के बारे में आप सोचेंगे। कहता है कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर द इशू डिवेंचर्स, जितने डिवेंचर्स आपने इशू किए थे उनका एप्लीकेशन आ गया, और कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, सबको अलॉटमेंट कर दिया आपने। अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, पैसा सारे आ चुके हैं, बोलता है कि आप एंट्रीज करो, और कहता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। मेरे बच्चे एक बात बताऊं, बैलेंस शीट की बातें मैं अभी बताना शुरू तो करता हूं, लेकिन आपको बेस्ट समझ में आएगा जब मेरे थर्ड बुक का जो आपका पार्ट है फाइनल अकाउंट, जब उसको पढ़ लेंगे। इसलिए आप यहां पे बैलेंस शीट की बातों को बस दिमाग में किसी कोने में रख लेना, उस चैप्टर में आके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहां पे 2 में आपका एंट्री करना शुरू कर रहा हूं, डेट तो क्वेश्चन में बताया नहीं है। तो पहली एंट्री, आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, तो आप जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पहले से पढ़ा हुआ है, तभी ये बात ठीक से फटाफट चलेगी मेरे बच्चे। एप्लीकेशन पे 4,000 जो डिवेंचर्स हैं इनटू एप्लीकेशन का 20, यानी कि 80,000 का अमाउंट यहां निकल के आया।
80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन है, ये डिवेंचर एप्लीकेशन यानी कि वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया था मेरे बच्चे, उनके नाम को हटा कर मैं इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, जिसका नाम यहाँ पे 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर्स अकाउंट। आप समझ रहे मेरी बात ना? सर हाँ सर, ये तो सर इशू शेयर्स वाली बातें निकल के आ रही है। तो 80,000 और 80,000 से एंट्री हो गया। नरेशन लिखना चाहो तो बींग, यहाँ मैं लिख देता हूँ नरेशन ताकि आपको रिविजन में हेल्प करेगा। बींग आपका एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव करने की एंट्री है। और ये एंट्री हमने क्या किया, आपका बींग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेशन मनी है, ट्रांसफर्ड टू कहाँ जी, 10% डिवेंचर अकाउंट। मतलब इसको हमने लायबिलिटी, जो परमानेंट लायबिलिटी है उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड एंट्री आप लेकर आएंगे। थर्ड एंट्री अब अलॉटमेंट की एंट्री होगी। तो आपने कहना है, आपको पता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आता है, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे पहले हम अमाउंट ड्यू करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा 10% डिवेंचर अकाउंट। इस एंट्री का मतलब हुआ कि देखो जी, हमने डिवेंचर को बढ़ा दिया, उतना पैसा मुझे अब आपको देना है, आप देंगे मुझे कितना जी, तो आपके 4,000 डिवेंचर्स पे 80 रुपीज़ के हिसाब से 20 रुपये, ये 80 कितना हो गया, 3,20,000, 3,20,000 रुपये, 320। और चौथी एंट्री में हम क्या करेंगे, हम इसका पैसा, ये लिख दो नरेशन, ये है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपने अलॉटमेंट मनी जो है, उस अलॉटमेंट मनी को मेरे बच्चे ड्यू करने की एंट्री की है, ड्यू किया आपने। अगले एंट्री में पैसा रिसीव करेंगे तो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आप समझ रहे हो ना? मैं जानता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप रिलेट कर रहे हो शेयर कैपिटल वाले से, क्योंकि सेम ही तो चीज़ है, बिल्कुल सेम, कहीं कोई डिफरेंसेज नहीं मेरे बच्चे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे शेयर्स था, यहाँ पे आपका डिवेंचर है। लिख दो यहाँ पे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आपने अलॉटमेंट मनी जो रिसीव किया उसकी एंट्री यहाँ पे पास कर दी और बात खत्म हो गया। काश यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी होता, काश यहाँ पे सेकंड कॉल भी होता, काश यहाँ पे फाइनल कॉल भी होता मेरे बच्चे, मैं सारी एंट्री आपको करके दिखाता, सारी एंट्री, बट क्या करूँ, यहाँ पे ऐसी कुछ बातें हैं ही नहीं। खैर, क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक काम करो, यहाँ पे जनरल एंट्री को पास करने के बाद बैलेंस शीट में दिखाओ इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी जिस स्टेप में पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ें, एंट्रीज पे ज़्यादा ध्यान होगा, बैलेंस शीट में ध्यान अभी पूरा नहीं होगा। बैलेंस शीट जितना बताऊंगा उतना दिमाग में बैठा लो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब सीखेंगे हम फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी जब पढ़ेंगे तब मेरे बच्चे। आप एक काम करो, एक बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पे, बैलेंस शीट आपका, और ये बैलेंस शीट का मैं आपको एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा। एक्चुअली कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है, इट्स ए वर्टिकल बैलेंस शीट आपका, है ना, जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था या सोल प्रोवाइडर में मेरे बच्चे, वैसे नहीं, इनका ऐसे बनता है। ये होता है आपका नोट्स टू अकाउंट, इसको हम नोट्स टू अकाउंट कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट, और ये हमारा अमाउंट कॉलम। कंपनी में लायबिलिटी साइड को हम कहते हैं आपका, लायबिलिटी साइड को आपका कैसा था, लायबिलिटी था ना आपका, हाँ, लायबिलिटी साइड को कहते हैं आपका यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड को यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बोलो उतना सुन के चुप हो जाना मेरे बच्चे। ये लायबिलिटी साइड को हम कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर में ध्यान देना, अगर मैं इसकी एंट्री का इम्पैक्ट चेक करूँ ना, एंट्री का इम्पैक्ट, तो ये देखो क्या हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो चुका है, अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो चुका है। तो अल्टीमेटली हमें एक तो बैंक दिख रहा है और एक दिख रहा हमारा डिवेंचर अकाउंट। मेरे बच्चे डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं,
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लंबे समय के लिए। जनरली हम जब डिवेंचर्स इशू करते हैं तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करते हैं। और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये बाद में बताऊंगा जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा, फिलहाल समझ लो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम यहाँ बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और मेरे बच्चे इस नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में एक हेडिंग होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, माफ कीजिए कहाँ चला गया, नॉन करंट के अंदर में एक होता है नंबर ए आपका लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स आपका। तो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर में, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर में ही हम दिखाते अपने डिवेंचर्स को, यानी कि इसी के अंदर में आपका 10% डिवेंचर्स यहाँ दिखाया जाएगा, 10% डिवेंचर्स आपका। जरा बताओ 10% डिवेंचर कितने, या एक काम करते हैं हम पूरे फॉर्मेट में चलते हैं सीखने के लिए, एक काम करते हैं बस लॉन्ग टर्म बोरविंग लिख के छोड़ दो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरविंग, और फिर इसका नंबर दे दो 1, जिसका हम डिटेल एग्जामिनर को अलग से समझाएंगे। और ये हमारा टोटल हो गया लायबिलिटी साइड का, एक ही नाम है ना। उसी तरीके से मेरे बच्चे लायबिलिटी के बाद जो आपका एसेट साइड होता है, ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया ए। अब मैं आपको बी यानी कि आपके एसेट साइड को दिखा रहा हूँ, एसेट साइड को। एसेट साइड में क्या होता है, यहाँ पे जो बैंक है वो आपका एक हेडिंग होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर में अब एक सबहेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक नाम आपका होता है मेरे बच्चे, इसी के अंदर बैंक दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और फिर इसको यहाँ पे लाके हमने क्लोज कर दिया, टोटल आपका बस है ना, ये एक्सट्रैक्ट है छोटा सा टुकड़ा। अब 1 का डिटेल एग्जामिनर को यहाँ बताएंगे कि लॉन्ग टर्म बोरविंग्स जो है, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स इसके अंदर में नाम क्या आएगा जी, तो हमारा 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स। जरा बताओ 10% डिवेंचर का अमाउंट कितना हो गया, ये देखो आप 10% डिवेंचर का 80,000 और 320 टोटल कितना हो गया, 4 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे ये 4 लाख का अमाउंट आपका हो गया बस। ये पहले जो आपका यहाँ मतलब कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता, उनमें क्या क्या आइटम है नीचे बताया जाता है। और 2 जो आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है मेरे बच्चे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसके अंदर में बैंक आएगा। सर इसके अंदर में और क्या क्या आएगा मेरे बच्चे, अभी नहीं बताऊँगा, फाइनल अकाउंट में आपको सिखाऊँगा। अभी तो बैंक जो आपका है ना टोटल कितना, 4 लाख रुपीज़, 4 लाख ही हुआ ना, बैंक में 80 यहाँ पे आया एंड 320 यहाँ पे आया, तो 4 लाख रुपए का अमाउंट बस। आपने क्या करना है, ये जो डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है उसका अमाउंट यहाँ 4 लाख दिखा दो और ये आपका 4 लाख दिखा दो। अभी आप छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, अभी मैं जब आपको 3rd बुक में लेकर आऊँगा वहाँ पे फाइनल अकाउंट में सारी बातें और समझाऊँगा, डिटेल में समझाऊँगा, कसम खाता हूँ मेरे बच्चे, झूठ नहीं बोल रहा, आप बिलीव करो, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको सीखते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आई जरा बैलेंस शीट की बातें मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट कर दी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ है, हम इसी टॉपिक को चल रहे हैं अभी, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। इसमें 2 टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं, या तो लमसम में होगा तो इकट्ठा एंट्री कर दूंगा, और अगर मान लो लमसम में नहीं हुआ तो ठीक है पार्ट पार्ट में एंट्री कर दूंगा। और पार्ट पार्ट में एंट्री करना कोई नई बात थोड़ी ही हमारे लिए, हमने तो इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या मस्त तरीके से पढ़ाई की है। एग्जाम में जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले से आपका स्ट्रॉन्ग हुआ पड़ा है, समझो मेरी बात। मैं थोड़ा और साफ कर देता हूं यहां पे, ये लीजिए। जब पता आज से बहुत समय पहले जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था लगभग, मतलब 90-100 साल तो हो ही चुके हैं, मुझे उतनी बात याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पर मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट 2013 नहीं हुआ करता था जो आपके टाइम पे है, हमारे टाइम पे कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, समझो मेरी बात। तो उसमें कुछ अलग बातें थी, आप नए दौर के इंसान हो, नए दौर के बच्चे हो, नई नई बातें सीखनी है, मस्त तरीके सीखनी है। हमारे टाइम पे बैलेंस शीट ना जो बनता था वैसे जैसे हम बनाते थे ना 11वीं 12वीं क्लास में वैसे बैलेंस शीट बनता था कंपनी का भी, लेकिन आज ज़माना चेंज हो गया है, कहते हैं जी कंपनी का वर्टिकल होगा, मतलब इसी को वर्टिकल कहते हैं,
क्या फर्क पड़ता है। आओ ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बता रहा आपका। कहता है कि यहां पे इंडेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। लो आपने प्रीमियम पे इशू किया तो क्या दिक्कत है, आने दो ना प्रीमियम पे। पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, लो सारे पैसे आपके पास एप्लीकेशन में ही आ जाने हैं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हो गया सभी लोगों से और सबको अलॉटमेंट कर दिया गया, बोलता है कि जरा बताओ एंट्रीज क्या होगा। मेरे बच्चे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो क्या करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पहले आपने पैसा रिसीव किया होगा, एप्लीकेशन का पैसा हमेशा पहले आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, और क्योंकि हम लमसम में पैसा ले रहे हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो जरा बताओ आपने पैसा कितना रिसीव किया है लमसम में। सर ये कहता है कि 10,000 है और एक डिवेंचर आपका ₹100 का, तो 1,000,000 तो यही हो गया मेरे बच्चे 10 लाख, और आपने 10% प्रीमियम भी तो लिया होगा, मतलब बैंक में जो पैसे आए होंगे वो टोटल आपका 11 लाख का अमाउंट आया होगा। बैंक में जो पैसा आया एप्लीकेशन के साथ वो 11 लाख आया, पहला एंट्री। सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जो 11 लाख का अमाउंट है आप उसको हटा दो। इसमें से जो फेस वैल्यू होगा, कितना परसेंट डिवेंचर है 10%, इसमें से जो फेस वैल्यू होगा मेरे बच्चे वो तो 10% डिवेंचर्स के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे, जो फेस वैल्यू होगा, और फेस वैल्यू कितना आपका ₹100 का है। तो मेरे बच्चे 10,000 डिवेंचर्स इंटू आपका 100 यानी कि 10 लाख का जो अमाउंट होगा उसको तो आप यहाँ पे डिवेंचर के नाम पे रिकॉर्ड करोगे, और आप जानते हो कि डिवेंचर के फेस वैल्यू से जो ज़्यादा अमाउंट लिया हमने हम उससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैंने आपको बताया था इशू में भी कि आपका प्रीमियम के नाम पर रिकॉर्ड होगा, तो 10,000 × 10, समझ रहे हो ना। वो कहता है कि 10% आपका प्रीमियम है, तो ₹100 का 10% ₹10 होता है, अमाउंट कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट। तो ये एंट्री हमारा हो गया आपका। ध्यान दीजिए मैं आपको इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट दिखाऊँ, ये देखो आप, मैं इस नाम को क्रेडिट और डेबिट कैंसिल कर दिया, यानी कि बैंक में जो 11 लाख रुपये आए हैं जो अमाउंट हमने बैंक में रिसीव किया है उसमें से 10 लाख रुपीज़ तो आपका डिवेंचर के नाम पे है और 1 लाख अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरे बच्चे, हमारा अकाउंट्स कहता है कि अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट आपने रिसीव किया है तो आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिवेंचर हो। समझ लो मेरी बात। सर हाँ सर हाँ, वही काम किया। क्या इसमें बैलेंस शीट पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, पूछता तो मैं बता देता बैलेंस शीट भी, कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन करता हूँ और उस क्वेश्चन में मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लूँ, आप जरा आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ के पास। कहता है कि लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,009% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलो। मेरे बच्चे जब पार्ट पार्ट में पैसे मंगाते हैं, आप याद कीजिए इशू शेयर्स में बताया था कि जब पार्ट पार्ट में पैसे मंगाते हैं और आपको ये ना बताए कि प्रीमियम कहाँ पे है तो हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे होता है। आप ये बात जानते हो, मैं जानता हूँ कि आप ये बात जानते हो। वो कह रहा है कि एप्लीकेशन पे 50 और अलॉटमेंट पे कहता है कि बैलेंस। जरा बताओ टोटल अमाउंट कितना लेना था, तो एक डिवेंचर ₹100 का है एंड 20% यानी कि ₹20 का प्रीमियम, 120 का अमाउंट लेना था, ₹50 कहता है कि एप्लीकेशन पे यानी कि अलॉटमेंट पे 70 हो गया। 70 का मतलब 50 + 20, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हमेशा क्या माना जाएगा, विथ अलॉटमेंट कुछ ना बताए तो। एप्लीकेशन रिसीव हो गया और कहता है कि आपका अलॉटमेंट भी हो गया, बोलता है कि एंट्रीज करो एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। मैं यहाँ पर बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, मैंने कसम खाया है मेरे बच्चे, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा दुनिया के किसी बच्चे से पीछे रहे,
और अगर आप पीछे रह गए तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा, जरा बताओ क्या क्या फ़ायदा मुझे। जब मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी था तो मैं बड़ा परेशान था, मेरे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं ना वो पीछे हो जा रहे थे, वो साइंस वाले बच्चे आगे हो जा रहे थे, आर्ट्स वाले बच्चे आगे हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे इस धरती पे जाना ही पड़ेगा अपने कॉमर्स वाले बच्चों को आगे लाने के लिए। आपको शायद मेरी बात में मजाक लगे, मेरी बात में आपको हंसी आए, लेकिन मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ मेरे बच्चे। मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी था, मैं इस जन्म को जो मैंने लिया है सिर्फ आपका उद्धार करने के लिए, मैं ब्रह्मा हूँ। आप ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा, आप चाहे मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन में आता हूँ और मैं आपको एंट्रीज करके दिखाता हूँ, साथ ही साथ आपका यहाँ पे बैलेंस शीट भी हम बना लेंगे, बैलेंस शीट भी। ये लो आप। सर अगर ब्रह्मा जी ने आपकी बात सुन ली ना तो इतना पिटेंगे आपको कि मैं क्या बताऊं। मत विश्वास करो, ब्रह्मा जी कहाँ से सुनेंगे जब मैं खुद ब्रह्मा जी हूँ। अरे अब समझो, सच बोलता हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता, मेरी कभी आदत नहीं रही झूठ बोलने की। आप आइए जरा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 5000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलो एप्लीकेशन 50 आपका ये ठीक है। अब मैं एंट्री करता हूँ मेरे बच्चे, मैं सॉल्यूशन जो फोर्थ का करूँगा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर, जैसे हम पहले लिखा करते थे, एप्लीकेशन पे 50 और अलॉटमेंट पे आपका 70 आना है, जो 50+20 आपका है। आओ ना पहले एंट्री, क्योंकि पार्ट पार्ट में है, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू आपने बोला डिवेंचर, क्योंकि इस बार पेमेंट पार्ट पार्ट में है तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ ना कितना अमाउंट। अरे सुनो मेरी बात, 5000 डिवेंचर है और एप्लीकेशन पे 50 रुपीज का अमाउंट है, तो 5000 डिवेंचर इंटू आपका 50, यानी कि ये 2,50,000 का अमाउंट हो गया। क्या मैं नरेशन लिखूं? नहीं सर, नहीं, आप नरेशन लिख के हमें शर्मिंदा मत करो, मैं जानता हूं इसका नरेशन क्या होगा। सर आगे बढ़ो, ठीक है मेरे बच्चे, अगली एंट्री में फिर आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आप यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कीजिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। एंड टू आप क्या करेंगे, इस पर 9% डिवेंचर अकाउंट कह रहा है, मतलब जिस डिवेंचर के नाम पे आपने पैसा रिसीव किया है हमें उस पर 9% इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग अभी हम सीखेंगे बाद में, अभी तो बस रिकॉर्ड कर लो कितना जी, ये 250 का अमाउंट तो हमने डिवेंचर अकाउंट में, यानी कि लायबिलिटी के रूप में हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड एंट्री में हम क्या करने वाले, नाउ वी मेक अलॉटमेंट का ड्यू, यानी कि आपका अब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट। मेरे बच्चे ड्यू किया हमने, हमने ड्यू किया है 9% डिवेंचर अकाउंट, जरा बताओ कितने डिवेंचर हैं, तो आपके 5000। और हाँ जरा सुनो मेरी बात, 5000 इंटू जो 50 होगा, माफ़ कीजिए ड्यू मतलब जो पैसा ले रहे हैं, इंटू 70 आपका, हमें आप लोगों से 70 लेना है, लेकिन डिवेंचर अकाउंट में 5000 इंटू 50 ही जाएगा। और आप जानते हो कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट मांगोगे तो आप उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे रिकॉर्ड करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप जानते हो ना मेरे बच्चे। सर हाँ सर, आप देखो ना 5000 इंटू आपका 20, तो जरा बताओ आपका अलॉटमेंट कितना ड्यू हो गया, 3,50,000 हुआ ना आपका, इसमें से 2,50,000 तो कैपिटल डिवेंचर के नाम का पैसा है और आपका 70,000 का अमाउंट, सॉरी 1,00,000 का अमाउंट जो है ये प्रीमियम का पैसा हो गया, 1,00,000 आपका प्रीमियम का, क्योंकि अगली एंट्री में वी हैव रिसीव्ड द होल अमाउंट, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट आपका होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जो हमें पैसा पब्लिक से लेना था 350, द होल अमाउंट वी हैव रिसीव्ड, यानी कि 350 का अमाउंट मेरे पास आ गया। लीजिए हमारी चारों एंट्री कंप्लीट हो गई। मैंने कहा ना कुछ भी नया है नहीं मेरे बच्चे, इस चैप्टर को ना पढ़ाऊं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा 1.5 साल का मेरा बच्चा है, वो उसको मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाया था और आज सुनने में आया कि वो घर में बैठ के अपने आप इश्यू ऑफ डिवेंचर उसने खत्म कर दिया,
वो कुछ मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ा उसको मेरे बच्चे। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स आर बीइंग यूज्ड इन इशू ऑफ डिवेंचर, नथिंग न्यू। द डिफरेंस इज व्हाट कि देयर वाज शेयर कैपिटल अकाउंट, हियर इट इज डिवेंचर अकाउंट, दैट फिट्स द होल कॉन्सेप्ट। आई एम टेलिंग द होल कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड हियर, कुछ भी नया नहीं है। तो ठीक है, अब आपको बैलेंस शीट देखना है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। आओ ना, मैं एक बैलेंस शीट का आपके लिए बना देता हूँ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा जहाँ पे हम इनकी बातों को डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट, और ये हमारा अमाउंट कॉलम हो गया मेरे बच्चे, ये चला गया आपका यहाँ पे। यहाँ पे आपका पहले लाइबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को ये हमने साइड का नाम लिखा। इसमें एक हेडिंग होता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब फिलहाल समझ लो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसका मीनिंग भी अच्छा चेंज हुआ है, वो हम आपको फाइनल अकाउंट में बताएंगे। और इसमें नंबर ए में क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कौन सा नाम निकल के आएगा जी यहाँ पे? ओह माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कर दो, माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं भावुक हो गया था। मैं अपने छोटे बच्चे का चेहरा अभी दिमाग के सामने लेकर आ गया था कि मुझे उसके साथ खेलना है, माफ कर दो, पहले ये नहीं। यहाँ पे अभी एक और नाम आ जाएगा क्योंकि देयर इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है इट्स ए रिजर्व, यानी कि यहाँ पे पहला हेडिंग जो अब होगा एक नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। बस जितना बताऊंगा उतना ही सुन लो, आप ज़्यादा दिमाग यहाँ मत लगाना क्योंकि मैं किसी और चैप्टर में इसके बारे में समझाऊंगा, उसको वहाँ पे लिंक कर लेंगे आप आराम से। इसमें मेरे बच्चे एक हेडिंग होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में मैं सिक्योरिटी प्रीम रिजर्व को दिखाऊंगा, ये मैंने इशू शेयर्स में भी बताया था आपको। फिर अब यहाँ पे एक नाम आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक नाम आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर में आप लिखिए यहाँ पे नंबर ए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, तो आपने लॉन्ग टर्म बोरविंग्स को आपने यहाँ पे लिखा है। और फिर आपका ये नंबर टू करके आप इसे क्लोज करें, दिस इज टोटल, और आपका ए निकल के आ गया। फिर हम जब आपका यहाँ पे आपके लाइबिलिटी साइड में आएंगे, मतलब एसेट साइड में, नंबर टू सॉरी नंबर ए लिखा था ना, तो नंबर बी हम यहाँ पे एसेट्स कहेंगे। एसेट्स आपका, एसेट्स में आपका एक नाम आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और मेरे बच्चे करंट एसेट्स के अंदर में आप जानते हैं जो नाम लिखने वाला हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमारा बैंक अमाउंट आ जाएगा इक्वी वैलेंट, तो यहाँ पे हमारा बैंक का नाम निकल के आ जाएगा नंबर थ्री आपका। यहाँ पे देखो ना मैं क्या करूँगा, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। इसमें नंबर वन जो आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में, सर बहुत फास्ट चल लो, कुछ है नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं अपने स्पीड को स्लो कर लूँ ना तो फिर आपका आप बोर हो जाओगे, आप सो जाओगे, सच बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी क्लास में आप सोए, तो मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ ताकि आपका हाथ फटाफट काम करे, दिमाग फटाफट काम करे, तो आप सोए ना। इसमें नाम आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आपका है? ये देखो 1 लाख का अमाउंट, तो 1 लाख आपका यहां चला जाएगा। फिर टू में आपको इस पर किसको बताना है, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के बारे में। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के बारे में हम यहां पे बताएंगे मेरे बच्चे। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर में आपका कौन सा नाम आएगा जी, इस पर 9% डिवेंचर अकाउंट। 9% डिवेंचर अकाउंट, जरा बताओ डिवेंचर कितने के हो गए? ये देखिए आप 250 एंड 250, टोटल 5 लाख का अमाउंट। तो ये 5 लाख की एंट्री आपका यहाँ चले गई, 5 लाख रुपए, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। और जो तीसरी एंट्री आपका यहाँ पे है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जरा चेक करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आपका तीसरी एंट्री में बैंक नाम आएगा। और जरा बताओ बैंक में टोटल कितने पैसे हैं? ये देखो 250 एंड 350, यानी कि 6 लाख। वही
आपका डिवेंचर का पैसा और प्रीमियम का पैसा, ये टोटल आपके बैंक में पड़ा हुआ है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लिखो ना, ये प्रीमियम का अमाउंट आपका 1 लाख हो गया, ये लॉन्ग टर्म बोरविंग्स जो आपका है वो 5 लाख का अमाउंट हो गया, और ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपका है वो 6 लाख का अमाउंट आपका हो गया। ये हमारा यहाँ पे काम पूरा। तो दिस इज वेरी सिंपल, कोई भी यहाँ पे बड़ी बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं जानता हूँ कि आप बड़े इंटेलिजेंट हैं और बात ठीक से समझ जाएंगे, आप प्लीज कॉपी कर लो। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। मुझे आज, मैं जानता हूँ कि ना मुझे मज़ा आ रहा है ना आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि कुछ नया चीज़ मिले तो आपको मज़ा भी आए, कुछ टफ बातें मिले तो आपको मज़ा भी आए। ये सिंपल सिंपल बातों में क्या रखा है सर, क्या रखा है, क्या रखा है सर, जरा बताओ। चलो फिर आप जब ऐसे कहते हो तो हम आपको बताएं मेरे बच्चे, डिस्काउंट की बातें याद करो। जब हमने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाया था तो सेक्शन 53 वो जो डिस्काउंट पे इशू करने की बात कहता था, उसने मना किया था, उसने कहा था कि शेयर्स जो हैं दे कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। लोग गला भी खराब हो गया, पता नहीं क्यों इतना चिल्लाता हूं। आप याद करो वो जो हमने आपका सेक्शन 53 पढ़ा था मेरे बच्चे, तो वहां पे कहा था कि शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, स्वीट इक्विटी शेयर्स हो गया, ईसोप हो गया, उनको छोड़कर। लेकिन मेरे बच्चे डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने से कोई रोक नहीं सकता। डिवेंचर्स दे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्योंकि लाइबिलिटी है, ये कर्ज है। हमारी मर्जी कि मैं पब्लिक से 10 रुपये के कर्ज के बदले में हम 8 रुपये लें, हमारी मर्जी, कोई रोक नहीं सकता। सर डिस्काउंट के केस में एंट्री क्या बनेगा? बहुत सिंपल मेरे बच्चे, बहुत से सिंपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट के टाइम पे एंट्री क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्जांपल लिखा दूँ मैं, क्या एक एग्जांपल लिखाता हूँ, ये लिखो आप मेरे साथ। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डिवेंचर्स, लिखिए मेरे साथ डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इस पर पहले एग्जाम्पल एक करा दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे कहता है COC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा मेरे बच्चे, COC लिमिटेड। कहता है इशूड 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ कहता है यहाँ पे एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 1 लाख हो गया ना, मान लो यहाँ पे कहता है कि 10% पे आपका, ठीक है ना, इशू किया आपने। फिर कहता है मेरे बच्चे, फिर कहता है आपका कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आर ₹4000 एंड ₹5000 रिस्पेक्टिवली। मेरे बच्चे 4,000 और 5,000 रुपये आपका पड़ा हुआ। कहता है कि मेक एंट्रीज फॉर अबव, इसकी आप एंट्रीज पास करो। सर ये क्या है, मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बच्चे, और बताने के लिए मैं आपको यहां पे एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, जिस बैलेंस शीट की आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे, इसकी कॉपी बिल्कुल नहीं करना। मुझे कुछ समझाना है आपको, एंट्री का मतलब ही तो बताओ कि हम क्या करना चाहते हैं, तब तो बात बनेगी। मेरे बच्चे पहले से यहां पे हमारा शेयर कैपिटल था, मान लो 4 लाख का। हमारे बैलेंस शीट में दरवाज आपका कैपिटल रिजर्व, मैं ऐसे एक एक दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, आप इसको लिखना मत। कैपिटल रिजर्व कितना था, 4000 का अमाउंट। फिर हमारे बैलेंस शीट में दरवाज सिक्योरिटी प्रीमियम,
कितने का था? 5000 का। और मेरे बच्चे हमारे बैलेंस शीट में यहां पे एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट था मान लो 10000 का, ये हमारा यहां पे निकल के आया। तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया? 4 लाख कितना? 19। मैंने सारे पैसे एसेट्स में लगाए हुए, मशीन बिल्डिंग सब कुछ मिला के कितना हो गया? 4,19,000। ये मेरा पहले से बैलेंस शीट दिख रहा है, ये पहले से बैलेंस शीट है मेरे बच्चे, ये एज्यूम किया हुआ बैलेंस शीट है। आप प्लीज़ चिंता नहीं करना कि सर ये कहाँ से आ गया, एज्यूम किया, बस इसके दो नाम जो है ना वो मैंने आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिए। अब कहता है कि भैया आप एंट्रीज पास करो, आओ ना सोल्यूशन में एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री, क्या पैसा आपने सारा का सारा इकट्ठा लिया है? क्या सारा पैसा आपने इकट्ठा लिया है? सर हाँ सर, लमसम में आया है। तो ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू, आपने बोला डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो एंट्री है जितना पैसा हमने रिसीव किया है मेरे बच्चे, ये एंट्री है बीइंग आपका एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपने जो पैसा रिसीव किया उतना, जरा बताओ हमने कितने पैसे रिसीव किए होंगे? सर 1000 डिवेंचर पे, 1000 डिवेंचर पे। ऐसे डिवेंचर 100 रुपये का है, लेकिन 10% का डिस्काउंट यानी कि हमें 90 रुपीज मिला होगा, यानी कि इंटू 90, ये हो गया 90,000 का अमाउंट। और ये आपका यहाँ भी कितना आ गया? 90,000। तो 1000 इंटू आपका 90, ये अमाउंट हमारे पास आ गया बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अगली एंट्री में क्या करेंगे? ध्यान देना, ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो हमारे पास पैसे आया था 90,000, हम उसको डेबिट कर देते हैं, ये हट गया मेरे बच्चे। और आज हम इसको एक लायबिलिटी का नाम देंगे जिसका नाम क्या है? 12% डिवेंचर अकाउंट। बीच में जगह छोड़ा है मैंने, ध्यान देंगे आप, 12% डिवेंचर अकाउंट। आप जानते हो, आप इस बात को जानते हो कि डिवेंचर के आगे हमेशा ऑलवेज वी रिकॉर्ड फेस वैल्यू। और मेरे बच्चे एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज आपका है। ये देखो, अगर डिवेंचर हमने इशू किया है डिस्काउंट पे, तो पैसे तो हमारे पास 90 ही आए होंगे, लेकिन डिवेंचर के आगे में 100 हमेशा फेस वैल्यू। आप कसम खाओ, पकड़ो ना अपना, ये पकड़ो ना और कसम खाओ ना कि डिवेंचर्स के आगे में हमेशा हम फेस वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो इशू डिस्काउंट पे हो, चाहे वो इशू प्रीमियम पे हो। तो हमने मेरे बच्चे यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, कितना जी? 1,00,000 रुपीज का अमाउंट आपका, 1,00,000 रुपए का अमाउंट। तो 1000 × 100 आपका डिवेंचर अकाउंट हो गया। नाउ 1,00,000 रुपए के बदले में हमने 90 लिया, तो हमने डिस्काउंट दे दिया। जरा बताओ, कंपनी अगर डिस्काउंट देती है तो कंपनी का डिस्काउंट एक्सपेंस है कि इनकम है? अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देना कंपनी का एक्सपेंस है कि इनकम है? सर एक्सपेंस है। और आप हमेशा जानते हैं कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आप लिखिए यहां पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका यहाँ पे हमने डेबिट किया। मेरे बच्चे आप नॉर्मल डिस्काउंट मत लिख देना, आपको पूरा नाम देना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका कितना जी? तो 1000 डिवेंचर पे पर डिवेंचर आपने 10 रुपीज के हिसाब से 10,000 का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जो क्रिएट किया था वो डेबिट हो गया, डिस्काउंट आपका डेबिट एंड टू डिवेंचर अकाउंट, एंट्री कंप्लीट। बीइंग हमने लिखा यहाँ पे एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। हमने ये 12% डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी। मुझे कुछ समझाना है आपको, मुझे कुछ समझाना है मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आपका, मैं इस दो एंट्री जो मैंने अभी तक किया इसका इम्पैक्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको नेट इम्पैक्ट दिखाऊँ। एक तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट और ये डेबिट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास तीन नाम दिख रहा है, एक तो बैंक, एक आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर
और एक दिख रहा है डिवेंचर्स अकाउंट, तीन नाम। सर आपने कहा था बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनता। हाँ मेरे बच्चे, मैं बैलेंस शीट बना ही नहीं रहा, मैं तो आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, सुनो तो मेरी बात। आप मुझ पर ब्लेम करना शुरू कर देते हो, अरे नहीं बना रहा बैलेंस शीट, सुनो तो मेरी बात। ये देखो हुआ क्या, बैंक में 90,000 आया, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको तो लिखना नहीं है, बैंक में यहाँ पे 90,000 का अमाउंट आ गया। लेकिन ध्यान दो, डिवेंचर्स अकाउंट जो लायबिलिटी है यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट जो आपकी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी कहता है कि 1 लाख का अमाउंट है आपका, 1 लाख रुपए का अमाउंट है। मेरे बच्चे यहाँ पे हमने क्या किया जी, आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट हमने यहाँ पे आपका रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, अभी भी एक नाम दिख रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000। पता है ये जो डिस्काउंट है ये एक लॉस है, आप देख रहे होगे हमने यहाँ पे 1 लाख बढ़ाया और यहाँ पे 90,000, बैलेंस शीट आपका टैली नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मेरे बच्चे। तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कितना से जी 10,000 से। अब बैलेंस शीट टैली कर गया, अब हमारा बैलेंस शीट टैली कर गया, 1 लाख यहाँ की एंट्री। सर ये एक्सपेंस क्यों दिखा रहे हो, दिखाते हैं मेरे बच्चे, दिखाते हैं किस सिचुएशन में, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा पहले भी और अभी भी पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या बात की बात है। पहले आप मुद्दे पे आइए, देखो बैलेंस शीट आपका टैली कर गया ना सर। हाँ सर हाँ, पता है कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रोविजन डाला गया है, कहते हैं कि आप ये डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर जो है ना, आप इसको, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर आपका है 10,000 का, इसको तभी दिखाओ अगर आपके पास सफिशियंट रिजर्व नहीं है। सर कौन सा रिजर्व, मैं आपको बताता हूं, पता उन्होंने क्या कहा है, सिंपल शब्दों में सुनना। वो कहते हैं कि यार ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर है ना 10,000 का अमाउंट आपका 10,000, आप यहां से क्या करो, इसको हटा दो अगर हटा सकते हो तो। लेकिन इसको हटाने के लिए इधर में आप, एक तो आप कैपिटल रिजर्व को हटाने का काम कर सकते हो, मतलब सर मैं यहां पर दिखाता हूं, ये काम करो, यहां पे थर्ड एंट्री लिखने का जगह छोड़ दो आप, और थर्ड एंट्री लिखने का जगह छोड़ने के बाद आप ना एक यहां पे इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, वो नोट है मेरे बच्चे जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ, मतलब हटाने के लिए राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। वो कहते हैं कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आप यहां पे तभी लिखना जब इस एंट्री के बाद भी कुछ बच जाए, इस एंट्री के बाद भी। सर क्या, वो कहते हैं कि काम करो, ये जो डिस्काउंट जरा देखो आपका डेबिट में था ना, डेबिट में था, तो इसको हटाने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये आप क्या करो जी, यहाँ पर क्रेडिट करो, और ये यहाँ से ये हटेगा, इधर से क्या हटेगा, पहले आप इस रिजर्व को यूज करना, ये सीक्वेंस है मेरे बच्चे। वो कहते हैं कि पहले आप क्या करना, कैपिटल रिजर्व अगर आपके बैलेंस शीट में है तो आप उस नाम से क्या करना, पहले इसको हटा देना। सर ऐसा क्यों, बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या अकाउंट्स कहता है। ये नाम बैलेंस शीट में अभी आपका लिखना अलाउड नहीं है, कहते हैं कि इसको मजबूरी में लिखना। वो मजबूरी कब आएगी, तो कहते हैं काम करना, आपका ये जो नाम है पहले क्या करना, इधर से इस नाम को हटा देना। अगर ये नाम नहीं है या फिर इसमें कम अमाउंट है, तो कहते हैं कि सेकेंड ऑप्शन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम को यूज करना। अगर ये नाम भी नहीं है या फिर कम है, तो मेरे बच्चे करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कंपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाती है, तो आप वहां से राइटअप करेंगे। बस तीन नाम, तीन के सिवाय कोई चौथा नाम नहीं। यानी कि ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर जब मैंने यहां पर लिखा था, आपने खुद कहा था कि सर आप ये डिस्काउंट को यहां पर क्यों लिख रहे हो, हमने कहा कि ठीक है जी नहीं लिखूंगा। लेकिन जब ये नाम यहां पर नहीं लिखूंगा तो यहां भी तो कम करना होगा बच्चे, तभी तो बैलेंस शीट टैली करेगा। तो कहते हैं कि आप इसको हटाने के लिए पहले इस नाम को यूज करना।
अगर ये नहीं तो फिर इस नाम को, और नहीं तो फिर करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस बनेगा वहां से राइट ऑफ कर लेना। रिपीट कर रहा हूं, करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस बनेगा, मतलब ये देखो आप मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर है ना, मैं इसको क्रिएट करूंगा, मुझे हटाना है मेरे बच्चे। तो ये हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये जो हमने डेबिट किया था एक्सपेंस, मैं उसको क्या करूंगा, इस 10,000 से हटा दूंगा। इसको हटाने के लिए पहला कौन सा नाम हटाया जाएगा यहां से, कैपिटल रिजर्व। तो इधर का नाम हटाने के लिए हमें डेबिट करना होता है, रिजर्व जब भी हटेंगे कम होंगे तो डेबिट किए जाएंगे, कैपिटल रिजर्व डेबिट किया, कितना अमाउंट उसमें है 4,000, तो 4,000 रुपये आप यहाँ पर डेबिट कर दो। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि अभी 10 में 4 ही हुआ, 6 और चाहिए, तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अब यहाँ पर डेबिट करेंगे, वो कितना अमाउंट है 5,000, ये 5,000 रुपये। तो 10 में कितना हो गया 9, अभी और कितना चाहिए 1,000, इस 1,000 को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट होगा हम वहां से क्या करेंगे, इसको डेबिट कर लेंगे। इससे क्या हुआ मेरे बच्चे, 10,000 से ये खत्म हो गया, ये देखो 4,000 खत्म हो गया, 5 ये खत्म हो गया, मान लो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो इसमें कितना 1,000 कम हो गया, तो ये कितना रह गया 9,000, अभी भी बैलेंस शीट टैली कर रहा है, मतलब 10,000 हमने यहां से हटा दिया, 10,000 यहां से, और बैलेंस शीट टैली कर गया। मेरा सिर्फ कहने का मोटिव ये है कि मेरे बच्चे, अगर आपका डिवेंचर्स पे डिवेंचर्स अगर डिस्काउंट पे इशू होता है, तो डिस्काउंट पे हुए डिवेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व, आप सिक्वेंस नहीं तोड़ेंगे, कैपिटल रिजर्व पहले, फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये सिक्वेंस आपको कभी नहीं तोड़ना है, हमेशा इसको फॉलो करेंगे। सर जरा बताओ कि आपने पहले सीक्वेंस में इसको, दूसरे में इसको, और तीसरे में इसको क्यों लिखा? बहुत जबरदस्त लॉजिक है बच्चे, मैं आपको समझाता हूं। पता है डिवेंचर्स अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो ना, तो इस लॉस को हम कहते हैं ये कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस मैंने कई बार आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शेयर कैपिटल या फिक्स एसेट्स पे कोई घाटा होता है तो हम उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। मेरे बच्चे अगर हम डिवेंचर्स जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और उसको हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, इट्स ए कैपिटल लॉस, ये कैपिटल लॉस है। हमारा अकाउंट्स कहता है कि कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपको सीधे प्रॉफिट लॉस में नहीं आना, वो कहता है कि कैपिटल लॉस को हटाने के लिए पहले आपको कैपिटल प्रॉफिट को देखना होगा। यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई कैपिटल प्रॉफिट है, याद कीजिए मैंने इश्यू शेयर्स में पढ़ाया था, कैपिटल रिजर्व मेरे बच्चे कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल लॉस को पहले कैपिटल प्रॉफिट यानी कि कैपिटल रिजर्व से पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब आप यहां से कैपिटल लॉस हटाइए और यहां से कैपिटल प्रॉफिट हटाइए, फिर भी बातें अगर नहीं बनती तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपको यूज करना होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन 52 में लिखा हुआ है। आप जरा एक बार इश्यू ऑफ शेयर्स में जाके मेरा नोट्स पढ़ो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, वहां कहा गया है मेरे बच्चे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स को राइट ऑफ यानी कि हटाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो जब सेक्शन में कहा गया है कि आप इसके लिए यूज करोगे तो फिर वो काम करो। इसलिए कैपिटल लॉस के लिए पहला ऑप्शन कैपिटल प्रॉफिट, फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर भी कुछ बच गया तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट कमाएंगे यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वहां से दिखा दो, क्योंकि ये लॉस है। लॉस हर एक लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं मेरे बच्चे, चाहे वो मशीन को बेचने पे हो जाए, चाहे वो डिवेंचर्स पे हो जाए, चाहे किसी तरीके का लॉस हो, लेकिन हाँ डिस्काउंट पे जब डिवेंचर्स पे लॉस होता है मतलब कैपिटल लॉस, तो पहले आपको कैपिटल रिजर्व वहां से हटाना है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर लास्ट में करंट ईयर का प्रॉफिट से। तो ये हमने वही काम किया, आपका वही काम किया, उसी एंट्री को मैंने दिखाया। मुझे समझाना था कि जब भी डिवेंचर्स पे आपका डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होगा तो राइट ऑफ करने के लिए ये काम। सर बताओ अगर मान लो कैपिटल रिजर्व और ये ना होता तो फिर क्या करते? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यानी कि जो करंट ईयर का है वो तो इस साल बन रहा है मेरे बच्चे, हम कुछ भी दिखा सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूं क्वेश्चन में, ऐसे आपको ज्यादा मजा आएगा जब मैं क्वेश्चन में आपको लेकर आऊं। आप जरा आ जाओ यहां पे, कौन सा क्वेश्चन दिखाऊं,
आप आइए जरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे साथ, वो क्या बोलते वो, ना ना ये मज़ेदार नहीं है, मैं कुछ मस्त चीज़ दिखाना चाहता था, एक बार देख लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं देख रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 आप जरा चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे क्लियरिटी लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको मिटा दूँ सर? हाँ सर, तो मैं इसको हटाता हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, कहता है पांचवे में एक्स लिमिटेड ने इशू किया 20,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन 1 अप्रैल, पेबल 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद डिवेंचर्स रिडीम होना है। ठीक है, आपका ये कहता है कि आपका 5 साल के बाद आपका पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, आपका इशू डिवेंचर की एंट्री करनी है। मैं करता हूँ मेरे बच्चे, तो पांचवें क्वेश्चन में आप आइए जरा, मैं देखो आपको बताऊँ पहली एंट्री क्या होगी हमारी यहां पे। पहली एंट्री कहां चला गया, पांचवी एंट्री में मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। ये काम करता हूं, रुको रुको, मुझे ना 2-3 केसेज आपको कराने हैं, अभी बुक में थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, पहले अभी कुछ केसेज करो मेरे साथ। अभी एग्जाम्पल 1 किया था ना हमने, एक एग्जाम्पल और लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो आपके लिए बोलता हूं। कहता है कि सीओसी लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज, सीओसी लिमिटेड कहता है इशूड, ये कहता है कि 5,000 यहां पे 14% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच आपका कहता है, इसके बाद पेबल, चलो मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ, पेबल रुपीस, एक मिनट, 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ, अभी एक ही में करता हूँ, एट डिस्काउंट ऑफ आपका 10%, है ना, सारा पैसा एक बार में, चलो कोई बात नहीं। कहता है कि बैलेंसेज ऑफ आपका कैपिटल रिजर्व रुपीज 28,000 फुल स्टॉप, बस सिर्फ ये बता रहा है, 28,000 कैपिटल रिजर्व 28,000 है, और कहता है कि बस मेक एंट्रीज। अब देखो जरा मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन में, पहली एंट्री, एक तो सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है जी, जब कुछ ना बताए तो लमसम में पैसा आएगा, सूझ में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 14% सॉरी पहले एप्लीकेशन का डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बताइए कितना पैसा आया, ये पैसा आने की एंट्री है। तो मेरे बच्चे 5,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर 100 रुपये का था लेकिन हमने 10% यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 90 के हिसाब से 4,50,000 का अमाउंट आया, 4,50,000 रुपये बैंक टू एप्लीकेशन आपका हो गया 450। अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है 4,50,000 इसको डेबिट करेंगे, और क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो आप जानते हैं, इसलिए मैं फटाफट करूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा कितना जी, तो आपका 5,000 डिवेंचर इनटू आपका 10, पर डिवेंचर 10 रुपये का डिस्काउंट था, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है बढ़ना डेबिट होता है, एंड टू आपने कहा यहाँ पे 14% डिवेंचर अकाउंट अमाउंट कितना आपका हो गया 5 लाख का, ये ठीक है, यहां तक ठीक है। पर बच्चे क्या ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मैं बैलेंस शीट में दिखाऊं या हटा दूं, तो जब तक कुछ ना बोले तो पता मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन कर देख के लगता है कि पहले तो ये 50,000 हटाना है। जरा बताओ पहला ऑप्शन क्या था हटाने के लिए, मैं इसको किससे राइट ऑफ करूंगा,
कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। आप बताओ कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट है? 28, तो आपने 28,000 पहले उसको हटा दिया। क्या इस बार कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है क्या? नहीं सर। तो मेरे बच्चे इसके बाद क्या करेंगे, पहले जो डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट था उसे क्रिएट कीजिए। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000 रुपए। तो डिस्काउंट आपका 50, 28 तो हमने इससे राइट ऑफ किया, बाकी का जो अमाउंट होगा 22,000 क्योंकि प्रीमियम रिजर्व नहीं है, तो हम लोग स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो प्रॉफिट लॉस कमाएंगे हम उससे क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। बात समझ आ रही है यहाँ पे? सर हाँ, सर हाँ, हम समझ गए सर। और आगे बताओ, और कुछ बताओ। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मुझे इसी बात को समझाने के लिए, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे बच्चे समझने में, तब शायद थोड़ा अच्छा लगेगा ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्या बता रहा है, लिखे जरा एग्जाम्पल नंबर 3 आपका यहाँ पे एग्जाम्पल। ये पता नहीं इतना भीग कैसे जा रहा है, जबकि मैंने इतना पानी डाला भी नहीं है। चलो कोई नहीं, आप लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस बार देखो क्या बता रहा है, सी ओ सी, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, सी ओ सी लिमिटेड इश्यूड 2,000 14% डिवेंचर्स। चलो 15% कर देता हूं नया, 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट पे, फुल स्टॉप। कहता है कि बस मेक एंट्रीज। लो इस बार मैंने क्वेश्चन में न तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम बताया न कैपिटल रिजर्व, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, तो हमारी एंट्री पहला तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू आपने कहा यहाँ पे डिवेंचर, ओहो माफ़ कर दो गलत कर दिया, सारा पैसा इकट्ठा आया था ना, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा। पिछले वाले में देख लो एक बार, अगर वहाँ गलती किया तो वहाँ पे सुधार दो। यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम जब आएगा तो ये लिखा जाता है, आप जानते हैं, माफ़ कर देना बच्चे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर में भी ऐसा ही होता है। कितना जी? तो 2000 में आपका 100 रुपये, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 में 20 हटा दो यानी कि 80, यानी कि 1,60,000, 1,60,000 रुपये, ये हो गया। सेकेंड एंट्री में आपने क्या किया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, फिर आप डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, एंड टू आप लिखेंगे यहां पे 15% डिवेंचर अकाउंट। मेरे बच्चे आप यहां पे पहले तो आप ये जो 160 यहां लिख दो, लेकिन आप जानते हैं कि डिवेंचर के आगे में 2000 इंटू 100 हमेशा होगा यानी कि 2 लैक्स का अमाउंट, और जो 2000 इंटू आपका 20 रुपीज हो गया यानी कि 40,000 का डिस्काउंट चला गया। तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट है इसको हमें राइट ऑफ करना है, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना 40,000। जरा देखो क्या इस पर यहां पे क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन में क्या कोई कैपिटल रिजर्व है? नहीं है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं है। तो हम किससे राइट अप करेंगे, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपीएल। एग्जाम में एसपीएल भी लिख सकते हैं और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कोई दिक्कत नहीं, 40,000 से राइट अप कर लेंगे। ये राइट अप हो गया 40,000। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पहले से कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उससे राइट ऑफ करना, अगर वो ना हो मेरे बच्चे तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस होगा एसपीएल उसमें से राइट ऑफ कर लेंगे। और सुनो आज क्लास अंत कर रहा हूं कुछ समझाने के साथ, ये जो एसपीएल से राइट ऑफ होगा 40,000,
क्या ये सारा का सारा अमाउंट इस साल के प्रॉफिट लॉस से राइट अप कर लूं, करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस से, या फिर कुछ और भी उपाय है? कुछ और भी उपाय है मेरे बच्चे, क्या ये जो आपका 40,000 का लॉस है, क्या इस साल के प्रॉफिट लॉस से राइट अप कर लूं, या फिर कोई और भी उपाय है? कई वर्षों में करूं, कई वर्षों में क्या उपाय है क्या नहीं है, ये तो हम सीखेंगे आपका। देखो जरा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में एक लिखा था, राइटिंग ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। देखो लिखा था, पेज पलटो पीछे वाला, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में एक टॉपिक था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को जो राइट ऑफ किया जा रहा है, इसका डिटेल डिस्कशन का टॉपिक अभी आगे है। मैंने अभी उतना ही बताया जितना अभी आपको रिक्वायरमेंट है, सुन लो मेरी बात। तो मेरे बच्चे, मैंने बहुत सारी बातें टच नहीं की हैं, मैंने उतनी ही बातें अभी बताई हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। बस आप इतना समझना, एग्जाम में क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट को राइट ऑफ करना हुआ तो हमारे पास तीन सीक्वेंस है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और आपका SPL, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे और भी बहुत सारी बातें अभी होंगी, लेकिन हमें वेट करना होगा आगे के लिए। आपको एडवाइस देता हूँ कि आपने अभी तक की जो क्लास पढ़ा प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके आप अगली क्लास में बढ़ेंगे। आज की क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ाया मेरे बच्चे, सिर्फ डिस्काउंट की बातें बता दी। डिस्काउंट एक कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस को जब राइट ऑफ किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो पहला कैपिटल रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम और तीसरा आपका SPL। जो इन्फॉर्मेशन देगा ठीक है, जो नहीं देगा यानी कि वो नहीं है, ये मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीन एग्जाम्पल मैंने इस पर कराया है। मैं अगली क्लास में जब मिलूंगा तो अभी और अच्छी अच्छी बातें का डिस्कशन करूंगा, बहुत मजा आने वाला है, ये मुझे पता है, क्योंकि चैप्टर हम पहले से पढ़े हुए हैं इशू शेयर्स में। मेरे बच्चे, आज की क्लास यहीं पे, अभी बुक का कोई क्वेश्चन टच नहीं करना है। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।